मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम माई न्यू व्लॉग। सो आज की व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मंदाकिनी होटल से। तो रात को कल मैं यहाँ 1 बजे पहुँचा था। कंटिन्यू मतलब 9:30 बजे मेरे गेस्ट आ गए थे सीतापुर में, तो फिर वहाँ से पिकअप करके सोनप्रयाग में आए थे। वहाँ से पिकअप करके फिर चला था वहाँ से, फिर बीच में डिनर भी गया था सिरसी में, है कृष्णा होटल एंड रेस्टोरेंट, अच्छा एक रेस्टोरेंट है। तो वहाँ पर उनको डिनर करा के फिर वहाँ से चले थे हम 11 बजे करीब चले थे। और 2 घंटे में, क्योंकि ट्रैफिक एकदम था इस रोड पर, तो 2 घंटे में हम होटल मंदाकिनी पहुँच गए रात 1 बजे। फिर यहाँ सब लेट चलेंगे और चलना है हमको, जाना है हमको हरिद्वार आज। ठीक है, अभी खड़ा हूँ मैं जो ये मंदाकिनी जो है सिटी में है, जो उधर पे आगे एक खूबसूरत सिटी है जहाँ पर 2 नदी का संगम है, अलकनंदा और मंदाकिनी का। इसके बाद ही अलकनंदा बन गया। और अब यहाँ से आपको दिखाता हूँ बाईपास, जो रुद्रप्रयाग का बाईपास है। ठीक है, देखिए ये है बाईपास रुद्रप्रयाग का। और ये है मंदाकिनी नदी, सॉरी अलकनंदा नदी है ये, मंदाकिनी नदी तो यहाँ पीछे में संगम हो रहा है वहाँ पर है अलकनंदा नदी। और वो बाईपास है, वो ब्रिज है। चलते हैं, लेट ही चलेंगे क्योंकि देर से आए थे, देर से सोए थे, देर से ही आराम से रिलैक्स होकर जाना है। ठीक है, आसमान पूरा का पूरा खुला हुआ है। कल रात लेट पहुंचने की वजह से 1 बजे पहुंचे थे, तो इस वजह से थोड़ा लेट चेकआउट होगा यहाँ से, अब 12 बजे करीब होगा। देखते हैं क्या होता है, हरिद्वार कब तक पहुंचते हैं। वैसे तो 6 घंटे लगते हैं, तो 6 बजे तक पहुँचने के चांस है, 12 बजे लेंगे तो। और क्या बोलते हैं वो, हाँ अगर वहाँ घूमना हो, घुमाना होगा तो वो अलग होगा, टाइम लगेगा। वैसे तो मैं तो मना कर दूँगा यहाँ घूमने के लिए, है ना, लेकिन बोलेंगे तो सबको क्या करना है, करना ही पड़ेगा। और गाड़ी गुड़ी तो मैंने साफ सुथरा कर दी थी, नाश्ता वास्ता भी कर ही लिया था। चलो देखते हैं क्या होता है, सैनिक होटल में आज लंच करूँगा ये मैं, तो यहाँ से 2-3 घंटे लग ही जाएंगे। ठीक है ना, फिर वहीं जाके मिलते हैं फिर आपसे। तो गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं सैनिक होटल में, यहाँ पर रेस्टोरेंट में, यहाँ पर लंच करेंगे। ज़्यादातर जितने भी ये देखे, पूरे का पूरा ट्रैफिक देखे। यहाँ का खाना जो है ना बहुत ही अच्छा है, एकदम टेस्टी खाना आता है सैनिक होटल में, और इस वजह से ज़्यादातर गाड़ियाँ यहीं रुकती हैं। चलिए मिलते हैं मामा जी से, मिलते हैं अपने सेवंती मामा से। हर बार जब भी आता हूँ तो मैं मामा जी से मिलता हूँ। मामा जी हेलो, जय बद्री विशाल। जी मैडम, हाँ जी मामा जी, ऐसे ही मिलते हैं। हाँ जरूर, आप लोगों के लिए तो बना रहे हैं, वो तो बेचारा लेट है। हाँ मामा जी, क्या क्या हो रहा है मैडम? जरा सा एक है मामा जी। नहीं नहीं कोई बात नहीं मैम, डील करिए आप, कोई नहीं, दीजिए मैम, सर मैम को दीजिए। मैं बताइए आप कुछ, आपने आज का अपडेट क्या है, आपको कुछ कुछ ज्ञान विचार दो अपडेट। अच्छा, वो ड्राइवर की लापरवाही से हुआ। ड्राइवर नहीं, ड्राइवर होता है, ड्राइवर ही है वो, नहीं है पायलट। पायलट होता है, अच्छे से चलाता ना। दे दीजिए बहुत, कोरे की वजह से जब ये लोग जबरदस्ती जाते हैं तो हाथ से जरूर होंगे। कौन सी चॉकलेट लेंगे मैम? कौन सी आइसक्रीम? आइसक्रीम सॉरी, हम तो ऋषिकेश से मैम। I am driving. No, what I mean to say, why? I will put in blog, YouTube video. Okay. Yes. So nice that I'll be there. Thank you. From where are you? And I'm from Kolkata. Kolkata. And I have come to have lovely ice creams. Sabka Vadilal. Vicky brand. Haan sir. Vadilal. Kya? Start. Tell me. What tell me? About a helicopter crash, na? आप हेलीकॉप्टर कैसे आ रहे बता रहे हैं? Because हेलीकॉप्टर पायलट इज नॉट गुड। गढ़वाली माँ? गढ़वाली माँ तो हमें बोल सकता हूँ कि जब कोरा लगे छे तो मेरे को कमर छो टूटी और जानी जान छे दे। अरे कमर छो टूटी हो? अरे हिंदी माँ, हिंदी में, हिंदी में ऐसा है कि जब वहाँ पे कोरा लगा हुआ था तो क्यों गया वहाँ पे? एक मिनट हिंदी अंदाज में जरा अपनी कैप तो लगा लो पहले। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी स्टाइल अलग है ना। हाँ Okay. हमारी मोच अभी धीरे धीरे बटनी चलने लगी, तो अगर मैं वो वक्त साला का पूरा ब्रेक कटा दिया लगाऊं तो किला किला की वे को कमर ये ना टूटी दुष्ट को आप अब तो मरी का तो गया खाट निर्वा की हैं, पर वो 5-6 होता है भी महाराष्ट्र का बंबई का जखा रहे वाला। अच्छा वो तो अभी खाट तो देगी मस्त। अच्छा और तो छ गए याद रखो ना, और तो मस्त कमर टूटी तभी खाट की। अच्छा
चलो ठीक है मामा जी, पर तू क्यों मजे लेनी है तो मेरे दुखड़ियों को तो नहीं नहीं आप उनकी आत्मा की शांति के कुछ कहना चाहें कुछ वर्ड शांति भगवान दियो ना क्या देना आप उधर चल गए ना हां चलो परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और हम परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे मामा जी ठीक है आत्मा को शांति मिल रही थी जब वो जा रहे थे नहीं नहीं उस समय तो आत्मा तो उनके शरीर में थी मामा जी आत्मा चलिए मामा जी बिगड़ गए हैं अपनी बातों से आगे आगे चलते हैं चलिए अब आपको दिखाते हैं सैनी होटल रेस्टोरेंट ये है रेस्टोरेंट पूरा खचाखच भरा हुआ तरीके से और ये अंदर का किचन मामा जी कैसे हो जय बद्री साहब मामा जी ओ बैंक है पूरा स्टाफ एकदम तैयारी में लगा मामा जी इधर ठका ठक ठका ठक हेलो हेलो बैंक एकदम आपका जरा कितने बिजी चल रहा पूरा स्टाफ सारी यहाँ का खाने का जो खाना जितना टेस्ट आ रहा है वैसे यहाँ इतनी भीड़ आती है बस चार दस यात्रा में बद्रीनाथ अगर केदारनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ ज्यादा हो तो सबसे पहले यही पे रुकेंगे मैं तो हमेशा रुकता हूँ नाश्ते टाइम पे नाश्ते के लिए अगर लंच का टाइम लंच के लिए डिनर का टाइम डिनर के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनता है यहाँ पर सारे सारे दिए जो स्टाफ है ना कितने प्यार से खाना खाते सैफ साहब नाम क्या है सैफ साहब का घनसाली क्या नाम है योगेंद्र कैंत्रा जी घनसाली से बिलोंग करते हैं वैसे पहाड़ के तो लोग तीन ही उसमें ही होते हैं ज्यादा एक तो खाना बनाने में होटल में दुबई दुबई में आइए भाई अब शिवंती मामा तो रहेंगे की बस ये देखिए पूरा का पूरा क्या मस्त एकदम खचाखच भरा हुआ प्योर दही बाय बाय क्या भीड़ है देखो रे पूरा भरा हुआ रेस्टोरेंट इतना अच्छा साफ सुथरा रेस्टोरेंट है चलो यहाँ से चलते हैं तो दोस्तों मामा जी ने जैसे बताया बात करते हैं ये जो गौरी गरुड़ चट्टी कितना से 2 किलोमीटर पहले जो वो हेलीकॉप्टर कैच जो हुआ था उसमें जो जिन यात्रियों की जान गई थी पहले तो उन यात्रियों के लिए मैं परमात्मा से मतलब भगवान से प्रार्थना हुआ कि उनकी आत्मा को शांति दें और जो हमारे आयरन कंपनी के जो एविएशन के पायलट थे उनकी आत्मा को शांति दें जिस कारण से मतलब जो बताया गया है उसकी वजह जो ये आपका फॉग कोहरे होने की वजह से जो इस कारण से दुर्घटना हुई थी ये तो उसका मुझे काफ़ी दुख है और उसी दिन मतलब हम अभी उसी दिन तो मैं आ रहा था और 11:30 बजे ये सुनने को मिला कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया वहाँ पर तो मामा जी ने सब चीज़ बताई उस बारे में कि ऐसा था ऐसा कंडीशन थी वहाँ वेदर कंडीशन ऐसी थी इस वजह से कि ये एक्सीडेंट हुआ है तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दे और हम यही कह सकते हैं कि बस परमात्मा ने उनको अपनी शरण में बुला लिया है ना चलिए देखते हैं तो फ्रेंड्स जो मेरे गेस्ट हैं जिनको मैं केदारनाथ ट्रिप में लेके गया था और मसूरी का ट्रिप भी था उनके साथ तो उनको हरिद्वार सन सिटी होटल में ड्रॉप कर दिया है और कल सुबह 10 बजे का टाइम दे रखा है 10 बजे वहाँ से निकल के हम निकल जाएंगे दिल्ली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ना है तो कैसा लगा आपको हमारा ये सफ़र क्योंकि ज़िंदगी है एक सफ़र मुसाफिर हूँ मैं यार हूँ बहुत सारी चीज़ें जो ठीक है तो मेरे क्या कहें आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि इस बारे में सैनी होटल के बारे में ये जो केदारनाथ का ट्रिप है केदारनाथ के बारे में जो हमने गौरीकुंड से सोनप्रैग से गौरीकुंड बाइक कार और फिर वहाँ से गौरीकुंड से केदारनाथ का ट्रैक कैसा कैसा था पूरा इन्फॉर्मेशन दिया था आपको और मेरे जो गेस्ट थे वो तो पूरे टायर्ड हो चुके थे आपको बताया भी था मैंने कि हम 1 बजे आए थे तो ऐसा सलाह था ठीक है गाइस बाय बाय सी यू मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में ओके